गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे मैं जरा टॉपिक लिया बेटा उस स्केलर वर्सेस वेक्टर कंसेप्ट ते प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायरेक्शंस लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ना, जिदी मैं आज ईच एंड एवरी गल तुहाडे नूं क्लीयर करांगी ताकि कोई भी डायरेक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी कॉम्पीटिशन एग्जाम च आ जाए जब तां तुसीं उच्च कन्फ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, सब तो पहले मैं गल करांगी स्केलर ते वैक्टर क्वांटिटी की। यू सारियां नूं तकरीबन पता ही है बिकॉज ये कंसैप्ट तो बहुत मतलब आप पढ़ चुके हैं कि जिहड़ा स्केलर क्वांटिटी है दैट डिटरमिन्स बाय मैगनीट्यूड ओनली। पर जे आप वैक्टर की गल करांगे तो उत्थे मैगनीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों चीज़ा है। जिदा मैं सिंपल जी गल कहां कि कोई कार मूव कर रही है 2 मीटर पर सैकेंड स्पीड दे नाल, तां मैं गल कर रही हाँ स्केलर की। पर जे मैं कहां कि कोई कार मूव कर रही है 2 मीटर पर सैकेंड स्पीड दे नाल ईस्ट डायरेक्शन च, तो फिर मैं गल कर रही हाँ वैक्टर क्वांटिटी की। मतलब वैक्टर क्वांटिटी दे नाल डायरेक्शन जरूर होंगी है। सिंपल जी एग्जाम्पल्स लिया मैं कि डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस स्पीड, टाइम, मास, टैंपरेचर, प्रेशर, कनैटिक एनर्जी, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज़। और इन्हें सिंपल ऑपरेशन अर्थमैटिक लगदिया जिदा तुम इन्हों प्लस करना या माइनस करना। पर वैक्टर क्वांटिटीज़ लाइक डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेशन, फोर्स, वेट, इन्हों सिंपल ऑपरेशन नहीं लगते प्लस माइनस वाले, इन्हों वैक्टर्स वाले रूल लगते हैं। ठीक है बेटा, अगे मैं सिंपल जी एग्जाम्पल थोड़े लिए ले है डिस्टेंस वर्सिज डिसप्लेसमेंट। मान लो कोई चीज़ है ज कोई कार है ज कोई बाइसाइकल राइडर है, उन्हें डिस्टेंस कवर करना ए तो बी तक और वो इदा जा रहा है। ठीक है, रेड तू डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है ना, पर इनू आप कहे डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, पर वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज ए टू बी, है ना, दैट इज यूअर डिसप्लेसमेंट। मतलब वैक्टर क्वांटिटी है, जिदा कि डिस्टेंस की है स्केलर क्वांटिटी। बेटा डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट इज वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर मतलब इतने डायरेक्शन भी मैनशन होएगी, डिस्टेंस इज ओनली मैगनीट्यूड, डिसप्लेसमेंट इज मैगनीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जे मैं गल करा स्पीड वर्सिज वेलोसिटी की, मैं कहनी हाँ स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। लाइक दिस इज अ कार, दिस कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड 20 मीटर पर सैकेंड। कोई भी कार है जी, मैं हमने गल की ना जिदा मैं स्टार्टिंग कि वह 20 मीटर पर सैकेंड के नाल चल रही है, पर वट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। किदा दिस कार इज ट्रैवलिंग एट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सैकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। जिथे तू डायरेक्शन मैनशन है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वैसट या नॉर्थ ईस्ट, साउथ, मतलब कोई भी, तो तुसी उत्थे ये कह सकते हो कि वो चीज़ की है वैक्टर क्वांटिटी है। जबकि जे तुहानू कल्ला मैगनीट्यूड डिफाइंड है तो वो चीज़ की है, वो चीज़ स्केलर क्वांटिटी है। लाइक स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज़ दिस इज़ वैक्टर क्वांटिटी। एक गल मैं तुहानू इत्थे जरूर दसना चाहनी हाँ कि जो भी है इहदियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है वो आती हैं पेपर च। ठीक है, लेट अस टेक द प्रॉब्लम्स हेयर। सब तो पहले तो तुहानू डायरेक्शंस पता होनिया चाहिए। ठीक है, लाइक अपवर्ड इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड इज़ तुहानू पता है कि नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ हुंदा है, दिस इज़ यूअर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ यूअर वैसट। बेटा सेंटर डायरेक्शंस नूं आपां बहुत ईजी लग सकते हैं कि जिदा नॉर्थ ईस्ट के विचवली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वैसट के विचवली डायरेक्शन है नॉर्थ वैसट, साउथ वैसट के विचवली डायरेक्शन है साउथ वैसट, तो साउथ ईस्ट के विचवली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। पर इत्थे डायरेक्शन समझ के नाल नाल असीं एक कंसैप्ट होर समझना चाहते हैं, लैफ्ट राइट मूवमेंट। देखो हुण आ परसन कोई है नॉर्थ नूं फेस करके खड़ा है, मतलब वो इत्थे खड़ा। ठीक है, अ परसन फेसिंग नॉर्थ, जे मैं यूजली क्वेश्चन होंगे है पेपर च कि परसन है नॉर्थ नू फेस करके खड़ा है, वो अपने लैफ्ट वल मूव किया, वो अपने राइट वल मूव किया, तो जेडे बच्चे डायरेक्शंस पता है वो लैफ्ट राइट कन्फ्यूज़ हो जाता है। जे तुहानू लगता है कि तुसी लैफ्ट राइट कन्फ्यूज़ होंदे हो तो तुसी इनू याद ही कर लो कि अ परसन फेसिंग नॉर्थ ऑन टेकिंग लैफ्ट विल फेस टूवर्ड्स वैसट। आ देखो उन्हें लैफ्ट डायरेक्शन लई,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਵੈਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਈਸਟ। ਇਫ ਇਟ ਟੇਕ ਰਾਈਟ ਟਰਨਸ ਟੂ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਆ ਵੈਸਟ 'ਤੇ, ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਨ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈਫਟ ਫੇਸ ਟੂਵਰਡਸ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਦ ਈਸਟ, ਕਿ ਜੇ ਈਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨੌਰਥ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਊਥ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਊਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਔਰ 10th ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ 90 degree ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਸਕੇਅਰਸ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਸਕੇਅਰ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸਮ ਆਫ ਸਕੇਅਰਸ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਡਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜੁਅਲੀ ਬੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਫੜ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਫਰੋਮ ਟਾਊਨ ਏ ਟੂ ਟਾਊਨ ਬੀ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਟੂ ਬੀ, 100 kilometer ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਰਥ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਲੈਟ ਅਸ ਡਰਾ ਅ ਫਿਗਰ ਕਿ ਆਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਗਈ? ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਨੌਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੌਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਈਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਸਟ। ਅਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਊਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਏ ਤੋਂ ਬੀ 100 kilometer ਗਈ ਜੀ ਨੌਰਥ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੈਨ ਟੂ ਟਾਊਨ ਸੀ 60 kilometer, ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ 60 kilometer, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਸੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਨੌਰਥ ਦੇ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 60 kilometer ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੈਨ ਟੂ ਟਾਊਨ ਡੀ 20 kilometer ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਨੌਰਥ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 20 kilometer ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਡੀ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫਾਇੰਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ ਤੋਂ ਕਾਰ ਡੀ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਏ ਟੂ ਡੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਿੱਦਾਂ? 100 + 60 + 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਆਹ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਏ ਟੂ ਡੀ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਲਓ, ਡੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 60, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? ਬੀ ਡੀ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ
कि जेड़ा बी तुहाडा बी डी डैश है ना, दिस इज इक्वल टू यूअर सी डी या डी सी जो भी तुसी लिखना है। ठीक है बेटा, ए भी 20 हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हुण आप आ डिस्टेंस फाइंड आउट करांगे, केड़ा डिस्टेंस ए डी डैश, ए डी डैश की हो गया तुहाडा, दैट इज यूअर 100 माइनस 20, 100 माइनस 20। ठीक है, यानी 100 माइनस 20 तुहानू सब नू पता है ये डिस्टेंस की हो गया 80, ये डिस्टेंस की हो गया 80। आ डिस्टेंस तुसी फाइंड आउट करना सी बेटा, दिस इज यूअर राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब इतने केड़ा ला लगेगा, पाइथागोरस, आ तुहाडा हाइपोटेन्यूस हो गया, तुहाडा बेस हो गया, तुहाडा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूस की है ए डी स्क्वेयर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू तुहाडा आ की है ए डैश स्क्वेयर, ए डैश स्क्वेयर की है 80 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, 80 का स्क्वेयर प्लस तुहाडा डी डैश डी की 60 का स्क्वेयर। बेटा जदों आपां स्क्वेयर नूं खत्म करते हैं ना, तो दूसरे पासे अंडर रूट जां स्क्वेयर रूट आ जाता है। ठीक है, स्क्वेयर रूट आ जाता है, 80 का स्क्वेयर प्लस 60 का स्क्वेयर। मैनू लगता नहीं हुण तुहानू इच कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुहानू पता है 80 का स्क्वेयर की हुंदा है। ठीक है, 80 का स्क्वेयर की हुंदा है 6400, दैट इज 6400, तो इहदा स्क्वेयर की हुंदा है 3600, यानी अगर आप दोनों नू प्लस करिए तो इट इज़ नीयरली कम टू 10,000। और यूजुअली जो कॉम्पीटिशन एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे बेटा, उस कैलकुलेशनस नहीं टफ होंगे, उस कंसैप्ट लाना पैंदा है। यदा मतलब तुहाडा ए डी किन्ना आ गया, 10,000 का स्क्वेयर रूट किन्ना हुंदा भी 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 100 किलोमीटर, पर डिस्टेंस की है लॉन्गेस्ट, यानी 100 प्लस 60 प्लस 20। ठीक है, 160 180, यानी तुहाडा जिहड़ा डिस्टेंस है वो 180 आ गया, तो जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो तुहाडा किन्ना आ गया, डिस्टेंस डिस्टेंस तुहाडा 180 और डिस्प्लेसमेंट किन्नी 100, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और देखो तुहाडा आंसर कितना करैक्ट है, तुहाडी डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है 100 है, छोटी है, तो तुहाडा डिस्टेंस की है 180, वो वड्डा है। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। चाइल्ड अपने फादर नू लभ रहा है, ठीक है, किदां लभ रहा है, ही वेंट 90 मीटर्स इन ईस्ट। एक गल पॉजिटिव है इस क्वेश्चन की, तुहानू ऑप्शनस दित्तियां, सब तो पहले तो बेटा डायरेक्शंस बना लो अपनी सेफ्टी लिए। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, इधर की आ गया तुहाडा वैसट, इधर की आ गया साउथ। एक बच्चा अपने फादर नू लभ रहा है एंड ही वेंट 90 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, भी 90 मीटर्स वो किधर चला गया, ईस्ट वल, इस डायरेक्शन से चला गया जी, वो अपने फादर नू लभदा लभदा ईस्ट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, अपने राइट तो मुड़न तो पहले ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग, है ना, अपने वो राइट आ ईस्ट होगी साड़ी जी, आ ईस्ट डायरेक्शन का आ राइट हो गया, राइट यानी 20 मीटर वो इधर मुड़ गया। दैन बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, वो दोबारा राइट मुड़ गया, टू लुक हिज फादर एट हिज अंकल प्लेस, यानी वो दोबारा राइट मुड़ के अपने अंकल दी, इतों राइट देखो भी केड़ा आ राइट है, 30 मीटर वो दोबारा तुर गया अपने अंकल दी प्लेस ते, हिज फादर वॉज नॉट देयर, उन्हां दे पिता जी उत्थे नहीं सी। ठीक है, फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ, आ ईस्ट सी, नॉर्थ उपर नू है, इहदा मतलब 100 मीटर वो किधर चला गया जी, नॉर्थ वल, वेरी गुड। ते बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, उहदे पापा नू स्ट्रीट ते मिल गए, पर वो नॉर्थ वल 100 मीटर चला गया। कहिंदा वट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है ना, एंडिंग ते स्टार्टिंग दे विच आपां स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कढ़ना है, आ साडियां डायरेक्शन सीगियां, इधर आपां नॉर्थ वल जा रहे सी, ठीक है जी, इधर असी साउथ वल जा रहे सी, इधर असी, सॉरी दिस इज़ नॉट साउथ, दिस इज़ वैसट, सो आई कैन अरेज फॉर यू पीपल, सॉरी दिस इज़ योअर वेस्ट एंड दिस इज़ योअर साउथ। ठीक
ठीक है। हुण देखो आपा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कढ़ना, आ पॉइंट तो रहा सी, इहदा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हो गया दिस वन एंड दिस इज योर रिजल्टेंट, आ तुहाडा 90 डिग्री का एंगल हो गया, आ तुहाडी ट्रायंगल होगी। हुण एक गल देखियो, आ 100 सी टोटल, दिस इज 30 सो दिस इज 30, दिस इज 20 ते ए भी 20 हो गया। इहदा मतलब 100 चो 20 माइनस कीते, आपां नूं नाम दे लैने आ ए बी ते सी, इहदा मतलब ए सी इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज यूअर 80, यानी तुहाडी आ परपेंडिकुलर किन्ना आ गया 80, इधर 90, इधर बी सी कढ़ना, बी सी किदा कढ़ांगे जी, बी सी किदा कढ़ांगे, 90 माइनस 30 यानी 60, बी सी किन्ना आ गया 60, ते इथों ए बी सानू ईजली फाइंड हो जाएगा। ए बी किदा फाइंड होएगा, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यूअर 80 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर, दिस इज अगेन तुहाडा 10,000 एंड यूअर आंसर इज 100। देखो कैलकुलेशन ईजी है, पर आ जड़ी डायग्राम है वे ऑफ पहुंचन ते उत्थे, इट इज कि जे तुहानू स्टेटमेंट सम आएगी, और कॉम्पीटिशन एग्जाम च एक जां दो सवाल इहदे नाल दे हुंदे ही। लेट अस टेक आर थर्ड एग्जाम्पल, वेरी ईजी, दिस इज अ परसन मूव्स टू द नॉर्थ, ठीक है। आपां अगेन आपां थोड़ा नॉर्थ ईस्ट, हुण तक तां मैनूं लगदा कि तुहानूं डायरेक्शनस रट गईआं होणियां वैसट ते साउथ, ठीक है बेटा। अ परसन मूव्स टू द नॉर्थ, बेटा देखो इत्थे सानूं कोई भी मैगनीट्यूड, कोई भी रकम नहीं दित्ती हुई, जिन्ना चक सानूं कोई रकम नहीं दित्ती हुई आपां सेम डायरेक्शनस मन्नी आ। अ परसन मूव्स टू द नॉर्थ टर्नस टू हिज राइट, की है जी राइट डायरेक्शन, ईस्ट, दैन अगेन टू राइट, आलो जी अगेन टू राइट, दैन फाइनली गो टू लैफ्ट। आ देखो जी आ साडा परसन है, ठीक है, फाइनली गो टू लैफ्ट, आ लैफ्ट हो गया ना साडा, इधर जा रहा हो, फाइनली गो टू लैफ्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, आलो तुहाडा आंसर आ गया जी, कि डायरेक्शन जो मूव कर रहा है, ईस्ट। मतलब सानू कोई रकम नहीं दिती सी, आपां नॉर्मल जिहियां डायरेक्शनस मनियां, आ नॉर्थ वल जा रहा सी, उहने राइट टर्न लिया, दैन अगेन राइट, दैन टूवर्ड्स लैफ्ट, ठीक है ना, तो इहदा मतलब केड़ी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग 30 किलोमीटर नॉर्थ, दैन 60 किलोमीटर ईस्ट एंड दैन 110 किलोमीटर साउथ, डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। मैं दी डायग्राम बनावांगी जस्ट तुहाडे हेल्प आउट करन लई, कैलकुलेशनस तुसी आप करोगे, ठीक है बेटा। आ नॉर्थ है, आ तुहाडा ईस्ट है, आ तुहाडा की है, ये तुहाडा वैसट है, ये तुहाडा सॉरी ये तुहाडा साउथ है, ये तुहाडा वैसट है, ठीक है बेटा। अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी 30 किलोमीटर, ए तो बी कार जा रही है जी 30 किलोमीटर, आलो जी 30 किलोमीटर साडी कार चली गई है, ठीक है। दैन इट मूव अलोंग द नॉर्थ दैन 60 किलोमीटर ईस्ट, आपां नॉर्थ च जा रहे हैं जी, 60 किलोमीटर ईस्ट असी मुड़ गए हैं इस डायरेक्शन च, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्प्ले दैन 110 किलोमीटर साउथ, आ जी साउथ वल मूव कर गए 110 किलोमीटर, ठीक है जी। असी की कढ़नी है डिस्प्लेसमेंट, यानी अगेन वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है जी। आ तुहाडा 60 हो गया, अगेन इनू डी दे लो नाम, सी दे लो, सी नहीं है कितने, इनू डी दे लो, इनू डी डैश दे, ठीक है बेटा। आ 60 हो गया तो आ तुहाडा 30 हो गया, यानी 110 माइनस 30 आ तुहाडा 80 हो गया, अगेन दैट कैलकुलेशन 60 ते 80, पाइथागोरस लाओ ते एडी फाइंड आउट कर लो। मतलब इन्हां क्वेश्चनां दा लूप होल की है, वट इज टिप एंड ट्रिक टू दिस क्वेश्चन, की तुहानू डायग्राम आ जाए, कैलकुलेशन तुसी चार ऑप्शन हुंदियां मिंट च जज कर लैणी। सो बेटा साडा लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समवन राइडिंग अ मोटरसाइकिल फ्रॉम होम 6 किलोमीटर टू नॉर्थ, डायरेक्शन दिती है सानू नॉर्थ दी एंड दैन 8 किलोमीटर टू ईस्ट, फिर अपनी फिगर वल चलांगे, वी नो द ऑल डायरेक्शन, दिस इज आर नॉर्थ, दिस इज आर ईस्ट,
नॉर्थ दे ऑपोजिट वी हैव अ साउथ एंड इधर साडे को अपनी है वेस्ट। ठीक है बेटा, कोई है जो ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ 6 एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। जे मैं गल करा तो 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डिटरमिन द फाइनल पोजिशन ऑफ द परसन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन ये सी, दिस इज फाइनल पोजिशन, तो यह साडा रिजल्टेंट हो गया। सब तो पहले तो आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करांगे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। यू पीपल नो दैट दिस इज, हुण मैनूं लगदा नहीं कि मैनूं इन्ने क्वेश्चन करा के दोबारा तुहानूं ये फॉर्मूला जां समझाउण दी लोड़ है। वी नो दैट 6² + 8² वो साडा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज 6 इज यूअर 36 प्लस यूअर 8² इज 64। ठीक है, 64 तो इत्थे तुहाडे को गल आ गई 100। ठीक है 100, ठीक है, और यूअर आंसर इज 10। ठीक है बेटा, हुण गल की है कि जे आपां आंसर देखिए तो इत्थे 10 दो आंसर चाहिए, मतलब ना फस्ट साडा आंसर है ना सैकेंड। वट इज़ द डायरेक्शन, जे तुहानूं याद होवे तो मैं तुहानूं ये दस्या सी कि वैन वी टेक दिस डायरेक्शन स्टार्ट कि नॉर्थ ईस्ट है तो जिहड़ी विजुअली डायरेक्शन है दिस वन इज़ नॉर्थ ईस्ट। ये कि डायरेक्शन होएगी नॉर्थ ईस्ट, यदा मतलब साडा किहड़ा आंसर करैक्ट है सी, दैट इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। बेटा इस तरह ये क्वेश्चन आप जो डायरेक्शन वाले करांगे, कुछ दो क्वेश्चन मैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लैके आई हाँ, दीज टू, इन्हों के आंसर मैं शाम तक कमेंट बॉक्स पा दाँगी ताकि तुसी अपने आंसर चैक कर सको। टिल दैन गुड बाय बेटा, रिवाइज द डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, स्केलर वैक्टर क्वान्टिटी, सो दैट यू कैन ईजली डू दीज क्वेश्चन इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।